हे यो व्हाट्सअप, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कह रहा हूँ आप सभी दोस्तों। आज की वीडियो में यहाँ पर जैसे कि आपने टाइटल पढ़ के अंदाज़ा लगा लिया है और सामने भी आप देख रहे हैं कि मेरे पास है रियलमी की 8 सीरीज। जी हाँ दोस्तों, रियलमी ने पाकिस्तान में रियलमी 8 सीरीज से रिसेंटली लॉन्च की है, जिसमें रियलमी 8 और रियलमी 8 प्रो है। आज हमारे पास है रियलमी 8 है। रियलमी अगर आप 8 सीरीज़ की बात करें तो उसमें कैमरा सेंट्रिक फोन पर काफ़ी काम किया गया और डिज़ाइन वाइज काफ़ी काम किया, एक सिलिकन स्टाइलिश डिज़ाइन रखा गया है और कलर्स भी काफ़ी अच्छे रियलमी ने 8 सीरीज़ में लॉन्च किए हैं। तो आज हमारे पास रियलमी 8 सीरीज़ है और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, क्या वो गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन आप कह सकते हैं? अगर आप कैमरे के लिए भी ढूंढ रहे हैं, क्या ये आपको गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन और कैमरा फ़ोन के लिए ये वाली डिवाइस आपको बाय करनी चाहिए या नहीं, आए हम इस वीडियो में जानते हैं। क्योंकि भाई मेरा नाम है भाई हसन है, आप देख रहे हैं भाई एच फोर टैक और ये देख तो जी दोस्तों, जल्दी से फिर हम अपनी अनबॉक्सिंग को स्टार्ट करते हुए इसकी जल्दी से फिर हम आपको स्पेसिफिकेशन और सारी चीज़ें आपको खोल के रख देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये प्री ऑर्डर किया था दराज पे, यहाँ पर आपको अच्छा सा डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है, तकरीबन 1000 से 2000 की तकरीबन आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको रियलमी बर्ड्स क्लासिक आपको फ्री मिलेंगे। रियलमी 8 प्रो अगर आप बाय करते हैं तो आपको रियलमी के तरफ से जो बर्ड्स हैं उनके नियोन 2 वो आपको फ्री में देखने को मिलेंगे, तो वो भी अच्छी मालियत के हैं और ये भी तकरीबन 1000 की रेंज में है जो कि आपको फ्री में मिलते हैं, तो फ्री में कोई भी चीज़ अच्छी लगती है। अच्छा, रियलमी 8 हमारे पास आ चुका है, इसकी हम जल्दी से फिर हम अनबॉक्सिंग करते हैं। लेकिन बॉक्स के कंटेंट की बात कर ली जाए तो पीछे स्पेसिफिकेशन जो लिखी गई हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6.4 इंच सुपर एमोलेड फुल स्क्रीन है, 64 मेगापिक्सल AI क्वाड कैमरा है, सुपर स्लिम एंड लाइट डिज़ाइन है, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में ही कहा था। हीलियो G95 है, गेमिंग प्रोसेसर है, जहाँ तक कहा जा रहा है गेमिंग प्रोसेसर है, तो ये हम देख चेक करते हैं। 30 वॉट की डार्ट चार्जिंग है और 5000 mAh की बैटरी है, 5000 mAh बैटरी और साइबर सिल्वर कलर का है ये कलर। अच्छा, इसमें दो कलर्स आए हैं रियलमी 8 में, साइबर सिल्वर और साइबर ब्लैक। तो यहाँ पर हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अच्छा, बाय द वे अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो जल्दी से कर लो, क्योंकि मैं इस तरीके की अनबॉक्सिंग की वीडियोज़ लाता रहता हूँ अपने चैनल पर, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल लाजमी है। यहाँ पर हमने ये रैपिंग को टाल लिया है और अब लेट को खोलते हैं। लेट को खोलने के साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है हे वेलकम टू रियलमी फैमिली, और ये रियलमी की तरफ से मैसेज है यहाँ पर, लेट्स एम्ब्रेस आ न्यू जर्नी, यहाँ पर ये लिखा गया है। कंटेंट की बात कर लें तो यहाँ पर आपको सिम जैक्टर 2 मिल जाता है, कुछ पेपर वर्क है जो कि मुझे नहीं लगता कोई पढ़ेगा, उसको यहाँ पर साइड में रख देते हैं। यहाँ पर आपको ये प्रोटेक्टर केस में देखने को मिल जाता है जो कि तकरीबन सही क्वालिटी की है, ग्रे कलर का है, थोड़ा ग्रे टोन में। बाकी हमारा फ़ोन देखने को मिल जाता है, फ़ोन को हम यहाँ से निकाल लेते हैं अगर ये हमारा फ़ोन निकल पाए तो। ये हमारा फ़ोन निकल चुका है, इसको हम अभी साइड में रख देते हैं। ये लीड कोड आते हैं जिसमें आपको चार्जर देखने को मिल जाता है और USB केबल है। USB केबल जो है वो टाइप सी वाली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी एक्सेंट नहीं दिया गया, जस्ट सिंपल वाइट कलर की है, टाइप ए टू टाइप सी है। और यहाँ पर हमारा चार्जर देखने को मिल जाता है, ये काफ़ी हैवी है चार्जर। और इसकी जो एम्पेयर रेटिंग की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्पेयर रेटिंग, डार्ट चार्जर है ये और यहाँ पे येलो एक्सेंट दिया गया है और ये 30 वॉट को सपोर्ट करता है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट्स में भी डाल दिया है इसी करीब से। तो ये थे भाई बॉक्स के कॉन्टेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्स में यही चीज़ें आई हैं। तो अब हम अपनी डिवाइस को ले लेते हैं, डिवाइस की रैपिंग को डालते हैं। डिवाइस काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ पर आप देख सकते हैं
अगर हमारे क्लोजअप शॉट्स में ये दिख रहा हो डिवाइस कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। इसकी जो बैक की जो पैनल है वो तकरीबन गिलास लुक दे रहा है, लेकिन ये भाई प्लास्टिक है। और यहाँ पर फ्रंट पे है, हम डिवाइस अगर ऑन कर लेते हैं जब तक डिवाइस ऑन हो रही है, मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बता दूं। इसमें आपको हीलियो G95 का गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि रियलमी क्लेम करता है। इसमें माली G76 का GPU है, MC4, और यहाँ पर आपको ओक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 6.4 इंच की सुपर AMOLED स्क्रीन है जो कि पंच होल के साथ आता है। कैमरा सेंट्रिक फ़ोन आप इसको कह सकते हैं क्योंकि इसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है जो कि आपको अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स प्रोवाइड करेगा, जो कि 4K आपको 30 फ्रेम सेकेंड और 1080p आपको 60 और 30 बोर्ड प्रोवाइड करेगा। स्लो मोशन जो है इसमें 120 fps का ही अवेलेबल है। ये जो एपिचर है इसका f1.8 है, और जहां तक बात कर ली जाए इसकी वाइड एंगल की जो 8 मेगापिक्सल का है f2.3, इसमें जो आपको पिक्चर्स हैं वो ज़्यादा वाइड देखने को मिलेंगी। अच्छा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है, 2 मेगापिक्सल का ही माइक्रो कैमरा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जो दोनों हैं वो 2.4 फ्रेम पर सेकेंड सपोर्ट करते हैं। और फ्रंट पे जो है 16 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कि f2.5 को सपोर्ट करता है, और 1080p की वीडियो 16 और 30 फ्रेम पर सेकेंड बनाते हैं। दोनों में आपको फ्रंट और बैक पे आपको EIS की सपोर्ट मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन। और फ्रंट जो डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्राइट कहूँगा मैं, क्योंकि 1000 nits की इसकी जो ब्राइटनेस है वो रियलमी आपको प्रोवाइड करता है सुपर AMOLED में। इसको जल्दी से मैं सेटअप कर लेता हूँ, फिर इसके बाद मिलते हैं। डिवाइस जो है वो टर्न ऑन हो चुकी है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसमें जो ब्रॉडवेयर है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, दराज की एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है, ऑब्वियसली टिकटॉक की एप्लीकेशन है, और WPS ऑफिस देखने को मिल जाता है। सेटिंग में जाके यहाँ पर हम देख लेते हैं अबाउट सेक्शन में कि रियलमी UI का वर्जन 2.0 देखने को मिल जाता है, रियलमी 2.1 भी निकली है, क्या पता अपडेट जल्दी आ जाए, रिसीव हो जाए, जो कि बेस्ड है रियलमी 2.0 बेस्ड है एंड्रॉयड 11 पे। और इसमें 8GB और 128GB का एक ही वेरिएंट आ चुका है, 8GB रैम 128GB रोम का, और बाकी जो अदर्स मार्केट है वहाँ पे 6GB का भी वेरिएंट आया है, लेकिन पता नहीं रियलमी वालों ने क्यों नहीं निकाला 6GB वाला वेरिएंट पाकिस्तान में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अवेलेबल इसकी स्टोरेज कितनी है, पर आप देख सकते हैं ड्यूल सिम सपोर्ट है, और एक्सटर्नल आप SD कार्ड भी आप लगा सकते हैं, फुल ड्यूल सिम सपोर्ट है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा क्लीन लुक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं शामी की डिवाइसेस, इसलिए ही सॉफ्टवेयर की वजह से लोग काफ़ी नहीं बाय करते हैं, क्योंकि इसमें जो ब्लॉटवेयर देखने को मिल जाता है और काफ़ी क्लीन लुक नहीं है, एड वेड्स भी देखने को मिल जाते हैं, और ओवरऑल जो है क्लीन लुक काफ़ी लुक चाहते हैं स्टॉक एंड्रॉयड बेस में, तो ये ज़्यादा डिवाइस अच्छी लगेगी आपको। जो कि इसका गेमिंग प्रोसेसर है जी हेलियो G95 है, मान ली G76 GPU के साथ है, वो देखते हैं कि PUBG पे ये कैसी परफॉर्मेंस देता है। तो जो गेमिंग रिव्यू है वो आपने मिस नहीं करना, वो ज़रूर देखना है, और मेरे फुल रिव्यू पे भी आप ज़रूर देखेगा। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि डेयर टू लिव का इतना बड़ा स्लोगन दिया गया है, और कुछ लोगों को ये अच्छा लगेगा और कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगेगा, तो ये पर्सनल प्रेफरेंस है कि आपको ये अच्छा लगे या ना लगे। काफ़ी स्लीक डिज़ाइन है, 5000 mAh की बैटरी है, 30W की इसमें डार्ट चार्जिंग है, तो जो कि रियलमी क्लेम करता है कि आपको 50% बैटरी, हाफ द बैटरी आपको 26 मिनट में ये प्रोवाइड कर देगा, जो कि क्लेम अच्छा है, और फुल बैटरी में आपको तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट भी लग सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी सही है, चार्जिंग स्पीड ज़्यादा बुरी भी नहीं है। यहाँ पर आप कैमरा भी देख सकते हैं इसका, तो यहाँ पर मैं आपको इसका बायोमेट्रिक भी दिखा दूँ कि कैसे परफॉर्म करता है, ये ऑन द स्क्रीन है और ऑफ द स्क्रीन भी यहाँ दिखा देता हूँ। सुपर AMOLED की वजह से यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है, और पंच होल में कैमरा है। कैमरा मैं आपको ज़रा सा थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ मैं कि कैमरा कैसा लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें वाइड एंगल कैमरा भी है, हर चीज़ है, यहाँ पे वीडियो भी है,
मैंने आपको सारी इसकी सेटिंग बना दी है, बता दिया है कि वीडियो जो है वो 1080p 4K 30 फ्रेम पर सेकेंड और 1080p 60 फ्रेम और 30 फ्रेम पर सेकेंड और स्लो मोशन जो है 120fps पे रिकॉर्ड करता है। पोर्ट्रेट शॉट भी है यहाँ पे। मैं आपको कैमरा रिव्यू भी, डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू भी आपको दूंगा मैं, तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है भाई। यही थी डिवाइस आज की, इसके जो आपको कैसी लगी है रियलमी 8 हीलियो G95 के साथ प्रोसेसर के साथ आइए। गेमिंग फ़ोन कह रहे हैं तो इसका जो गेमिंग रिव्यू है, कैमरा रिव्यू जो भी है सारा वो मैं चैनल पर अपलोड करूँगा, तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में बताना है कि रियलमी 8 है वो ज़्यादा अच्छा है या रियलमी 8 प्रो ज़्यादा अच्छा है, आपने कौन सी बाय करनी है। और इसका जो डायरेक्ट कंपटीटर है उससे भी हम इसको कंपेयर करेंगे जो कि शाओमी पोकोफोन X3 है, उसमें लेकिन 6GB और 8GB का वेरिएंट है, तो वो काफ़ी एक अलग सेंट्रिक फ़ोन बन जाएगा भाई। यही थी भाई डिवाइस है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। मिलते हैं भाई इसके रिव्यूज़ में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।